10 मिनट के लिए, और ठीक है थोड़ा सा एक बेस लाइन पे आ जाए, उसके बाद छोड़ते हैं। हाँ भाई भारद्वाज बताओ, समझ में आ रहा है सब? चलो दस से 15 मिनट का और सेशन रखेंगे, उसके बाद बंद करेंगे, ठीक है आज के लिए। क्योंकि जब तक इंटरेस्ट है तभी तक करना सही है, इंटरेस्टलेस हो जाए तो फिर बंद कर देना चाहिए। सर, बताओ, सर जो भी आरएसी का वो क्विज वाला एग्जाम हुआ था सर, उसमें सर बहुत तुम लोगों ने सारे क्वेश्चन बहुत सही थे, मैं बहुत तुम लोगों ने गलत कर गलत दिए। बहुत तुम लोगों ने कम मार्क्स लाए हैं यार। मेरे पास आया कल क्यूज का मार्क्स, किसी का 48 नंबर, 50 नंबर, 52 नंबर, 100 में, ये हालत है, ऐसा क्यों हो गया? सर उसमें अरे सर सर, आंसर ही गलत सेव कर रखे गलत थे सेव कर रखे थे सर आंसर। पता नहीं, मेरे सर पास तो सही आंसर, आंसर ही आए हैं जो किसके कितने मार्क्स आए हैं बस। दोनों हाँ सेम सर, दिया सर सर हर उसमें पेपर में एक तीन चार क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके एक आंसर दो दो बार दिए हैं, उसमें से कौन सा मारे है? मैंने कल तो वो सर आरे सेशनल मार्क्स बनाया था आरएसी ये भी ना सर बहुत हालत खराब थी सेशनल। सर, आरएसी में बहुत सारे सर आंसर ऑप्शन गलत में सेव करे हुए थे। 3 पेज का एक क्वेश्चन था सर। अच्छा मैं ऐसा करूंगा ना, जो मेरे पास विथ सोल्यूशन है तो वो सीट मैं भेज दूंगा, तुम लोग मिला लेना है कितने सही किए थे कितने गलत किए थे, ठीक है? तो जी सर, क्वेश्चन कहाँ से क्वेश्चन दिए थे सर? कहाँ, बुक से? बुक से सर थे और कहाँ से थे? अपना मन का, आंसर गलत सेव मैंने तो करे कोई हुए थे बुक उसमें। उल्टा भी नहीं था, मैं तो अपने मन से ही क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट का डाला था, बाकी सेकंड थर्ड के अशोक यादव सर ने डाला था, थर्ड फोर्थ के उन्होंने डाला था किरत सर ने। क्वेश्चन ये ऐसे भी सारा डाले हो सर पर आंसर तो गलत सही सेव थे, पर थे। सर उनकी जो आंसर थे वो गलत सेव किए हुए थे सर, हम सही कर रहे थे वो गलत हो गए हमारे। मेरे को तो पता नहीं, मेरे को तो सिर्फ वही आया है, रिजल्ट आया है, इसका ये है, इसका ये है। उसको सेशनल में हर पेपर उसको में भी हो रहा है कंसीडर, ऐसा, हर पेपर में सर, सोशनल में उसको भी कंसीडर कर रहे हैं। हर पेपर में ऐसा हो रहा है सर। एचओडी सर से बोलने क्या? नहीं बोलने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसे ही मॉडिफाई होगा, तुम लोग के ऐसे ही सेशनल में जो सबके 40 45 48 42 फर्स्ट सेशनल जो वो हुआ है ऑनलाइन, तुम लोग ने दबा के छापा है, तो उसके लिए कोई इशू नहीं है, ठीक है? तो तो करना पड़ा मजबूरी हाँ, बाकी दो बच्चे हैं जिन्होंने नहीं दिए हैं टेस्ट, जैसे वो है कटारिया, कौन है? सर, इसमें भी छापा ही हो रहा था लेकिन सर जानते मिल नहीं रहा था, ऑप्शन नहीं मिल रहा था हाँ, हम समझ रहे हैं, वो तो पता चला सर। जाता जितने जितने भी क्वेश्चन थे सब, जितने भी क्वेश्चन थे लगभग लगभग आईएएस की किताब में दिए थे, पूरा प्रीवियस सॉल्यूशन में से थे सारे नहीं, मिले थे। मेरे मेरे तो आईएएस वो बेस के नहीं थे, मैंने तो फर्स्ट यूनिट डीडीसी ऐसे, वालों का फायदा हो गया सर। मैंने तो ऐसे ही कैसे डाले थे। फायदा भाई, किताब तो कोई लाया ही नहीं है, फायदा तब होता ना जब बुक प्रीवियस से बुक होती। हाँ आशीष शर्मा सब पढ़ लिया इसलिए कर रहा है। मैंने आइए ऐसा मेडी जी से नहीं डाला था, मैंने खुद से वो भी किताब भी नहीं देखा था, अपने मन से जो पढ़ाया था वही क्वेश्चन है। हाँ मैंने ऐसे ऑप्शन जरूर डाले थे जो कंफ्यूजिंग हो, एक दूसरे से लग रहा कि ये सही है कि ये सही बहुत है। हाँ, हाँ इस तरह के वो मैंने गूगल पे भी डाला, नहीं का मैंने थोड़े थोड़े वो से गूगल पे भी पॉइंट नहीं को, मिला हाँ था सर। वो होगा ही नहीं क्योंकि मैंने अपने मन से बना के लिखा है, गूगल पे कहाँ से मिलेगा। ऐसा 10 क्वेश्चन था सर। हाँ 10 ही क्वेश्चन था शुरू का, 1 से लेकर 10 क्वेश्चन जो था वो मेरा था, बाकी उन लोगों ने अपना डाला था, जब भी जानना था। ठीक है चलो, अब सर सबके में अलग अलग आते हैं क्वेश्चन। इसको इंड कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि दूसरे ब्रांच के भी बच्चे हैं तो वो बात करेंगे, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है सर। तो इसको इंड करते हैं उसके बाद। तो ये समझ में आ गया, पैराबोलिक कलेक्टर को हम लोग कैसे यूज करेंगे, इसको पावर प्लांट के लिए भी यूज कर सकते हैं, अगर आपको हॉट वाटर रिक्वायर्ड है। साउंड थोड़ा बंद कर लो, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, सभी लोग अपने साउंड बंद कर लो, साउंड बंद करो 10 मिनट के लिए बस, ठीक है? रिप्लाई उधर से,
दस मिनट के लिए बस, उसके बाद 10 मिनट के बाद ये सेशन बंद करेंगे, फिर हम लोग उधर आरएसी तरएसी का बात करेंगे क्या है, तो पहले इसको कर लेते हैं ठीक है। अच्छा देखो, तो इस कलेक्टर को हम यूज करके सबसे ज्यादातर जो यूज होता है पावर प्लांट के लिए यूज होता है ठीक है। लेकिन आप चाहें तो अपने घर के लिए, अगर सपोज दैट आपको हॉट वाटर की ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो उसको भी यूज कर, लेकिन इसकी क्या होती है कैपेसिटी बहुत बड़ा होता है तो ज्यादातर पावर प्लांट के लिए होता है। घर में आप हॉट वाटर के लिए ETC और आपका फ्लैट प्लेट करके दैट इज द इनफ, क्योंकि हमारा क्या होता है गर्म, अगर ठंडी में नहाना है तो ज्यादा ज्यादा पानी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, पानी का टेम्परेचर आपको 50 डिग्री, 55 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, इससे ज्यादा नहीं रिक्वायर्ड होता है। आपने हॉट वाटर लिया, उसको मिक्स किया कोल्ड वाटर के साथ, आपने नहा लिया। लेकिन ये क्या है, 200 डिग्री से 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है जो वाटर, जो आपको पावर प्लांट के लिए ज्यादा बेटर है, इसके लिए आपको मैंने बाथिंग वगैरह के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। हाँ, या फिर कोल्ड कंट्री के लिए सही है। कोल्ड कंट्री का क्या होता है, जो कोल्ड जनरेशन प्रोसेस होता है, जो उनके घर में पाइपलाइन जाता है, या फिर कोई इंडस्ट्री है जो आपका कपड़े वगैरह बना रही है, वहां पे उसको स्टीम की जरूरत होती है डाई करने के लिए, तो वहां पे इस टेक्नोलॉजी को आप यूज कर सकते हैं। आपका प्योर एंड क्योर टेक्नोलॉजी है तो इसको आप यूज कर सकते हैं वहां पे। ये है आपका लीनियर फ्रेशनल रिफ्लेक्टर, आपने देखा था IFR, लीनियर फ्रेशनल रिफ्लेक्टर। इसमें ये रिसीवर होता है और ये क्या है, सारे कर्व टाइप के रिफ्लेक्टर मिरर लगे होते हैं। ये सनलाइट से आ रहे हैं, ये रिफ्लेक्ट होंगे और ये रिसीवर पे आएंगे। ये रिसीवर क्या करेगा, इसको रिसीव करेगा, रिफ्लेक्ट होकर टोटल लाइट जो है यहाँ कंसनट्रेट होगा और ये इसमें जो हो आपका वर्किंग लिक्विड आपने सप्लाई कर दिया, वो वर्किंग लिक्विड क्या होगा, हीटअप होके, और आपको जिस पर्पज से यूज करना है उसको यूज कर लीजिए। तो ये होता है आपका IFR यानी कि लीनियर फ्रेशनल LFR, linear fresnel reflector type ये collector होता है, ठीक है? Approximate the parabolic trough system but by using long rows of flat or a slightly curved mirror to reflect the sun rays onto the downward facing linear fixed receiver. Simple. ज्यादातर देखा जाए तो हम लोग के लिए, अगर मैकेनिकल का कोर पार्ट देखा जाए तो हम लोग के लिए ये चीज, ये काम करना ज्यादा बेटर है। फोटोवोल्टेक सिस्टम पे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बेसिकली उनका ज्यादा कमांड होगा, क्योंकि वो क्या कर सकते हैं, फोटोवोल्टेक सिस्टम में चीजों को मॉडिफाई कर सकते हैं, जो पैनल है, जो बनता है, सेल बनता है, उसमें कुछ अपना मॉडिफिकेशन डिजाइन दे सकते हैं। लेकिन हम लोग कहाँ चेंज कर सकते हैं, इन्हीं चीजों में, थर्मल सिस्टम जो सोलर थर्मल सिस्टम है उसमें हम अपना मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, हम उसमें चेंज कर सकते हैं। बेटा साउंड आ रहा है, तो हमारे लिए ज्यादा ये थर्मल सिस्टम बेटर है, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं वो क्या करें, फोटोवोल्टेक सिस्टम। अगर यूजर फ्रेंडली आप देखें ये सबसे इजी क्या है, तो सबसे इजी बेटा फोटोवोल्टेक सिस्टम है, क्योंकि उसमें ज्यादा आपको इतना वर्कर की रिक्वायरमेंट नहीं है, इतना ह्यूज कैपेसिटी लोगों की, माने कि वेल क्वालिफाइड लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक पैनल बना हुआ आपको मिल गया, आपने सेटअप किया, दो वायर जोड़ा, घर में करंट आ गई। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जैसे आपने पावर प्लांट जो LMT वगैरह जो होती है, जो अच्छी अच्छी इरेक्शन एंड कमीशनिंग के काम करती है कंपनी, वैसे कंपनी की रिक्वायर्ड होगी जो आपको टोटल सेटअप बनाए और इसको करके दे। इसमें ह्यूज कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होती है, वेल क्वालिफाइड इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होती है डिजाइन करने के लिए, कि कितना एंगल पे ये लगे रिफ्लेक्टर के, ऑलवेज रिफ्लेक्ट होके इतना, अगर आपने जरा सा भी मिस्टेक किया ये सारा का सारा रिफ्लेक्ट होकर इस रिसीवर पे नहीं आया, इधर उधर तितर बितर हो जाएगा, आपके यूटिलाइज नहीं होंगे। तो ये इसके लिए यहाँ पे वेल क्वालिफाइड इंजीनियर होने रिक्वायर्ड है, वर्कर, वेल क्वालिफाइड वर्कर होने रिक्वायर्ड है। मैंने अभी आपको बताया कि डिस्क कलेक्टर जो होता है इंडिया में बहुत कम लोग बनाते हैं, बना नहीं पाते हैं, क्योंकि वो जो कलेक्टर जो बना रहे हैं, आप भी प्रोजेक्ट, कई बच्चे आपके कॉलेज में भी प्रोजेक्ट किए हैं, उधर RKGC में भी किए थे, उनका कलेक्ट होकर रिफ्लेक्ट होकर पार्टिकुलर पॉइंट पे जा ही नहीं रहता, वो ले आते थे कि सर ये ले आया, हो गया, बस एक मोटर बना कर। लेकिन जो रिफ्लेक्शन होना चाहिए, आप अगर प्रोजेक्ट कर रहे हो वो रिफ्लेक्ट होकर पार्टिकुलर पॉइंट पे, उसको बर्निंग आउट, एक वुडन आप लीजिए लकड़ी और उसको जला के दिखाइए, तब वो प्रोजेक्ट होगा। आपने बना लिया कुछ हो ही नहीं रहा, तो बनाने का मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि डिजाइन जो है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, सन से जो आ रहा है रिफ्लेक्शन होने के बाद शुड बी ऑन द रिसीवर, जो रिसीवर है जो उस पे पड़ना चाहिए, ये डिजाइन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसके लिए वेल क्वालिफाई हमारे पास वर्कर होने चाहिए, वेल क्वालिफाई इंजीनियर्स होने चाहिए, ठीक है। ये है आपका डिस्क, पैराबोलिक डिस्क कलेक्टर, ये सबसे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाता है, यही है आपका सीडी साइन में लगा हुआ। ये इस तरह का नहीं, ये तो आपका सोलर कूलर हो गया, ये रिफ्लेक्ट होके जो यहाँ पे रिसीवर दे रखा है उन्होंने यहाँ नहीं दिया है, यहाँ पे
एक छत पे रिसीवर लगा रखा है और इस तरह के नंबर्स ऑफ डिस्क लगे हुए नंबर्स ऑफ, और सारे डिस्क का रिफ्लेक्शन ये जो पॉइंट है वो यही पे फोकस बना रखा है और सारे डिस्क से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे जाता है और उसमें वाटर सर्कुलेट होता है और उस वाटर से स्टीम जनरेट होता है और वो स्टीम क्या करता है आपका कुकिंग के लिए यूज हो जाता है। तो ये कंसंट्रेट कर रहा है, जितने भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, जितने भी सनलाइट पड़ रहे हैं, ये रिफ्लेक्ट होकर एक पार्टिकुलर कंसंट्रेटर रिसीवर पे पड़ता है। उस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं हम लोग, आप टर्बाइन चला के आप पावर जनरेट कर सकते हैं, कुकिंग के लिए स्टीम जनरेट कर सकते हैं, को जनरेशन के लिए आप ये हीट ले सकते हैं इससे, तो इस ये सारे चीजें आप इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कंसंट्रेट द सन रेज एट, ये सिंपल सा वही कंसेप्ट है जो हम लोगों ने पढ़ा था, फोकल पॉइंट पढ़ा था, वही फोकल पॉइंट वाला कंसेप्ट है। ये सारा का सारा रिफ्लेक्ट होकर फोकस पे पड़ रहा है, तो वही फोकस का काम है। फोकल पॉइंट अप्रूव अबव द सेंटर ऑफ द डिस्क, द इंटायर एपर्चर्स ट्रैक द सन विद द डिस्क एंड रिसीवर मूविंग इन टैंडम। जैसे जैसे सन रोटेट करता है वैसे वैसे आप देखेंगे वो जो आपका डिस्क है वो भी रोटेट करता रहता है उसके साथ, और कंटिन्यूसली ये रिफ्लेक्ट करके आपको रिसीवर पे देगा ताकि आप ज्यादा से ज्यादा समय तक उसको यूटिलाइज कर सके। ठीक है, मस्ट डिसेज हैव एन इंडिपेंडेंट इंजन जनरेटर सच एज स्टर्लिंग मशीन और माइक्रो टर्बाइन एट द लोकल पॉइंट। आपको जिस तरह से यूज करना है, टर्बाइन यूज करना है, कुकिंग वगैरह यूज करना है, जनरेशन एक्सेट्रा जो भी आप यूज कर सकते इससे कर सकते, ये सबसे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाता है। ये है आपका हेलिस्ट्रेट फील्ड कलेक्टर, ये आपने देखा होगा, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। नंबर्स एक बड़ा सा रिसीवर लगा होता है, ठीक है, और नंबर्स ऑफ रिफ्लेक्टर पूरे फील्ड में लगे हुए हैं और ये जितने भी सनलाइट पड़ रहे हैं इस तरह से डिजाइन होता है कि यहां से रिफ्लेक्ट होकर टोटल का टोटल यहीं पे आएगा, ये रिसीवर पे आएगा, ये रिसीवर पे। और इस रिसीवर में क्या होता है, नीचे से पंप के थ्रू वाटर सप्लाई किया जाता है, यहां वाटर आता है, वाटर स्टीम में जनरेट होता है, या तो आपका टैंक में जाएगा कलेक्ट होने के लिए, या फिर टर्बाइन पे जाएगा, टर्बाइन पे वो एक्सपेंड होके फिर आपको पावर दे देगा। तो ये सारा जो है पूरे फील्ड में, एक एकड़, दो एकड़, पांच एकड़, जितनी आपकी एरिया है सारे फील्ड में ये आपका हेलियोस्टेट लगे होंगे रिफ्लेक्टर, ये रिफ्लेक्टर, ये आपका रिसीवर है, ये रिसीवर पे आएगा, कंटिन्यूसली आपको ये हीट देता रहेगा। ठीक है, और ये भी रोटेट करता है, जैसे जैसे सन रोटेट करेगा वैसे वैसे ये क्या करेगा, इस तरह से सेंसर बेस बना देते कि ये ऐसे ऐसे रोटेट करता रहेगा और यहाँ पे आपको ये रिसीव करेगा और आपको कंटिन्यूअसली सन से आपको थर्मल एनर्जी आपको मिलता रहेगा। आप जो भी यूज करना सकते हैं, आप जेल यूज करके आप यूज कर लीजिए, ऑयल यूज करके हीट एक्सचेंजर लगा के कर लीजिए, वाटर डायरेक्ट यूज करना चाहते हैं वाटर करें, वाटर यूज करने से थोड़ी सी लाइफ कम हो जाएगी, तो डिपेंडिंग ऑन आपकी एबिलिटी क्या होता है। ठीक है, तो ये होता है हेलियोस्टेट इज ए डिवाइस दैट इंक्लूड ए प्लेन मिरर व्हिच टर्न्स सो एज टू कीप रिफ्लेक्टिंग सनलाइट टुवर्ड्स अ प्री डिटरमाइंड टारगेट। ये प्री डिटरमाइंड टारगेट है, उसी पे हमेशा पढ़ना चाहिए। हेलियोस्टेट फील्ड यूज हंड्रेड और थाउजेंड्स ऑफ ए स्मॉल रिफ्लेक्टर टू कंसंट्रेट द सन रे ऑन ए सेंट्रल रिसीवर प्लेस्ड एट टॉप ऑफ फिक्स्ड टावर। ये टावर जो फिक्स है, ठीक है, इसका इसमें गुड़गामा में एक कंपनी है सनबॉर्न एनर्जी, वो सनबॉर्न एनर्जी जो है उसमें मुझे अपॉर्चुनिटी मिला था जब मैं एमटेक कर रहा था, तो ये डिजाइनिंग पे काम चल रहा था उस पे, तो मुझे अपने जो आईआईटी दिल्ली में जो गाइड थे मेरे एमटेक के, उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया था कि आप इसमें काम करो और आपका पीएचडी भी हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि उस समय स्टाइफन दे रहे थे वो 23,000 या 24,000 रुपये थे, तो मैंने उस समय डिनाई कर दिया था कि नहीं अभी मैं नहीं करूँगा क्योंकि मेरे ऊपर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतने पैसे में काम नहीं होंगे। तो उसके इसके डिजाइन पे ही काम चल रहे थे इस रिसीवर पे, ये जापान की कोएड कंपनी है और वो है सो इस पे काम कर रहे थे। मस्ट पॉपुलर एंड वेल डेवलप एप्लीकेशन ऑफ द सोलर थर्मल एनर्जी। ये सोलर वाटर हीटर जो अभी आपके छत पे लगा हुआ है हॉस्टल में, यही है, ठीक है, ये ETC है, लो टेम्परेचर एप्लीकेशन मेनली यूजिंग फ्लैट प्लेट कलेक्टर और इवेपोरेटर, जो हमारे यहाँ यूज होता है यही होता है वाटर हीटिंग के लिए, इससे ज्यादा हम लोग यूज नहीं करते क्योंकि इससे ज्यादा हमें ह्यूज टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, डायरेक्ट ओपन, पैसिव, इनडायरेक्ट ओपन, ये आपका ETC है, ये आपका फ्लैट प्लेट कलेक्टर है, ये दिखा रखा है कि कैसे कॉन्सेप्ट, कौन सा थर्मोसाइफन कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ये कोल्ड वाटर नीचे हॉट वाटर ऊपर, ये टेक्नोलॉजी इसमें भी यूज होता है। ठीक है, इसके बाद एक्टिव, ये देखिए एक्टिव ये है, ये इसमें इस तरह के हीट एक्सचेंजर टाइप के ये बने होते हैं जिग जैग, ये क्या है, डायरेक्ट टैंक में आकर वाटर स्टोर होता है, इसमें क्या होता है टैंक में स्टोर नहीं, टैंक में हीट एक्सचेंजर टाइप के लगे होते हैं, इसमें वाटर होता है, ये वाटर इस हीट एक्सचेंजर के कॉन्टेक्ट में आके कंटिन्यूसली हीटअप होता रहता है हॉट वाटर
ऊपर, कोल्ड वाटर नीचे, फिर ये कोल्ड वाटर है सो आपका, फिर ये आएगा नेक्स्ट सर्कुलेशन में, हीट लेगा ऑब्जर्व करेगा और ये कंटिन्यूसली, तो ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं होता, ये इनडायरेक्ट, इसमें क्या होता है डायरेक्ट ही होता है, ये जो आपका प्लेट प्लेट कलेक्टर होता है उसमें डायरेक्ट, इसमें इनडायरेक्ट होता है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। इसकी लाइफ ज्यादा होगी, इसकी लाइफ कम होगी, क्योंकि जब वाटर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आएगा, आप कभी देखने का मौका मिले, आप जाए थर्मल पावर प्लांट वगैरह या कहीं भी जाए, तो आप बॉयलर कहीं भी हो अगर उसका कभी आपको देखने का मिले तो देखना उसके ट्यूब की जो हालत होती है, आप जब 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल यूज करेंगे तो ट्यूब में रस्टिंग हो जाती है, लीकेज होने लगता है, फिर क्या करना पड़ता है पावर प्लांट को क्लोज करके, फिर उसके बाद ऐसे बॉयलर को उसकी ट्यूब चेंज की जाती है, उसका रिपेयरिंग की जाती है, फिर प्लांट चलता है। तो ये आपको कंटिन्यूसली वाटर ट्रीटमेंट किया जाता है उसकी वजह से, पहले वाटर ट्रीटमेंट करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट सर्टेन केमिकल मिलाया जाता है ताकि वो रस्टिंग वगैरह ना करे उस पर, ठीक है, उसके बाद वाटर को यूज किया जाता है। तो उसमें क्या होता है लाइफ कम होती है, इसका क्या है इसका लाइफ ज्यादा हो, क्योंकि ये हीट है, इसमें डायरेक्ट नहीं कॉन्टेक्ट में आ रहा है, इसमें टैंक का वाटर टैंक में है और इसमें ये डिफरेंट हाई कंडक्टिव मटेरियल लिक्विड यूज कर लेते हैं, जो कंटिन्यूसली, जो अभी ऑयल की बात कर रहा था वो कंटिन्यूसली इसमें मूव करते रहता है, हीट ये देता रहता है, ठीक है। ये किसकी है, क्या कोई क्वेश्चन है यहाँ पे जो मार्क किया है आपने? नहीं है, चलिए। ये जो आपको बताया था कि अगर नॉर्थन हेमिस्फीयर में, तो देखिए ये है ना, ये साउथ फेसिंग इस तरह से ये लेटा हुआ है, इसको डायरेक्ट सनलाइट इस तरह से मिलेगा साउथ, ये देखिए साउथ डायरेक्शन, ये साउथ दिखा रहा है, तो साउथ, ये नॉर्थन हेमिस्फीयर, अगर आप साउथ हेमिस्फीयर में हैं तो ये नॉर्थ इस डायरेक्शन, ऐसे ऐसे आपका फ्लैट प्लेट कलेक्टर लगेगा, उसी के बारे में बताया। इंस्टॉलेशन डायरेक्शन फॉर नॉर्थन हेमिस्फीयर फेसिंग साउथ, फॉर साउथर्न फेसिंग नॉर्थ, इंस्टॉलेशन टिल्ट एंगल कितना होना चाहिए, द एंगल ऑफ द कलेक्टर इज रफली इक्वल टू द लोकल लैटिट्यूड, लोकल लैटिट्यूड एंगल जो होगा उसी के रफली, तब ये क्या होगा परपेंडिकुलरली सनलाइट, और परपेंडिकुलर क्यों होना जरूरी है, आप फ्लैट प्लेट कलेक्टर की बात करेंगे या फिर थर्मल सोलर थर्मल की बात करेंगे तो हमें यहाँ पे डायरेक्ट इरेडिएशन रिक्वायर्ड होता है, डिफ्यूज इरेडिएशन नहीं रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि डिफ्यूज से आपको उतनी हीट एनर्जी नहीं मिलेगी, आपको लाइट एनर्जी मिलेगी डिफ्यूज से, लेकिन जो थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड होता है सन से, अगर डायरेक्ट इरेडिएशन जितना ज्यादा आएगा उतना ज्यादा आपको थर्मल एनर्जी मिलेगी, इसीलिए डायरेक्ट हमें रिक्वायर्ड जरूरी है, ठीक है। ये है एनुअल हीट कलेक्शन वर्सेस डायरेक्ट डायरेक्शन टिल्ट एंगल, ये आपका डायरेक्शन शिफ्ट फ्रॉम साउथ साउथ एंगल, ये दिखा रहा है इंक्रीजिंग कलेक्शन एरिया जैसे जैसे आ रही है, और ये है आपका डायरेक्शन शिफ्टेड फ्रॉम साउथ, जैसे जैसे आप होता है ना कि नॉर्थ से साउथ की ओर मूव कर रहे हैं तो कैसे ये एंगल चेंज होगा उसके बारे में, इंक्रीजिंग कलेक्शन एरिया जैसे जैसे एरिया इंक्रीज करेगा और टिल्ट एंगल ऑफ द कलेक्टर कैसे वेरी करेगा उसके बारे में दिखा रखा है, सोलर वाटर हीटर का ये होता है, ठीक है। अब आज के लिए क्लास यहाँ समाप्त करते हैं, अब हम लोग कल देखेंगे। ये आपका रेसिडेंशियल एरिया पे जैसे उसमें दिखा रखा था आपको सोलर फोटोवोल्टिक, वो सही है, ये यहाँ पे इंस्टॉल है, ये टैंक लगा हुआ है, यहाँ से पाइप को कनेक्ट कर दिया, आप बाथरूम में शावर लगा हुआ है, हॉट वाटर आपने टैप खोला हॉट वाटर मिल गया, किचन में हॉट वाटर मिल गया, जहाँ भी आपको यूज करना है उस तरह का टेक्नोलॉजी दिखा रखा, ठीक है। हॉट वाटर प्रोडक्शन, हाउसिंग वार्मिंग, घर को गर्म करना है उसके लिए भी यूज होता है, ये देखिए ये आपका लगा हुआ है हॉट वाटर कलेक्टर, यहाँ पे ये टैंक है, ये टैंक क्या करेगा इससे पाइपलाइन को पूरे घर में दौड़ा देंगे, ठीक है, और इससे क्या होगा जो हीट जो होगा ये देखिए सभी जगह दौड़ा रखा है, इसमें जो कोल्ड एयर होगा रूम का वो इसके कांटेक्ट में आएगा, हीट को अब्जर्व कर हीट गेन कर लेगा, फिर वो चला जाएगा, ये जो कोल्ड होगा कोल्ड होकर टैंक में आ जाएगा, फिर ये टैंक से इसमें ये ब्लू वाली लाइन जो देख रहे हैं ये इसमें जा रहा है, रेड वाली ये हॉट होके यहाँ गया, ये स्टोर होता रहा, ये कंटिन्यूस फेनोमेना चलता रहेगा, आपका रूम क्या होगा वार्म अप करता रहे, ये हमारे यहाँ जरूरत नहीं पड़ता, क्यों नहीं जरूरत पड़ता, ये देखिए यूरोप कंट्री वगैरह जो जहाँ पे कोल्ड कंट्री वहाँ पे जरूरत, हमारे यहाँ इतना जीरो में -10 -15 -20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जाता ही नहीं, हमारे यहाँ तो कम से कम अगर जनवरी में होगा तो 5 डिग्री, वो भी क्या सुबह के 3 बजे जब हम रजाई कंबल ओढ़ के सो रहे होते हैं, तो हमारी इसकी टेक्नोलॉजी की हमारे यहाँ जरूरत ही नहीं है, एक कोजनरेशन प्रोसेस है, ये सब जो होता है वो आपका वही होता है कोजनरेशन, थोड़ा बहुत आपका शुगर मिल वगैरह में जो होता है यूज, वो जो आपका गन्ने के रस निकलते हैं उसको वो करके, बाकी अपने यहाँ ये टेक्नोलॉजी नहीं यूज होता है। अच्छा, ये आपका होटल वगैरह जो होता है, देखिए डोमेट्री, हॉट वाटर, स्विमिंग पूल, इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग, हीटिंग एक्सेट्रा, ये सब के लिए भी यूज करते हैं, तो कैपेसिटी बढ़ा दिया उस हिसाब से अपना यूज करते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग हीट के लिए, प्रोसेस हीट करने का मतलब इंडस्ट्री में यूज है, जो मैं अभी बताया था आपको कि स्टीम रिक्वायर्ड होता है डाइंग वगैरह के लिए, तो उसके लिए यूज करते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं, आई थिंक बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसीलिए आज समाप्त, ठीक है। अब हम लोग कल है सो मिलते हैं।
सेम टाइम पे, ठीक है, फिर कल हम लोग देखेंगे। ये वीक मैं थर्मल ले चलूंगा, नेक्स्ट वीक आपका फोटोवोल्टेक शुरू कर दूंगा, ठीक है बेटा। हाँ आप बताओ सॉफ्टवेयर नेक्स्ट वीक से, सॉफ्टवेयर सभी लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा। पीबी सिस्ट सॉफ्टवेयर एक महीने का ट्रायल वर्जन देता है फ्री, उस पे है सबके सिस्टम में। अगर कोई जैसे कि ऐसे अभी घर पे है सिस्टम नहीं है तो वो वीडियो बन जाएगा, वीडियो हम रख देंगे, दो या तीन क्लास होगा, उससे ज्यादा है नहीं। उसको आपको पटकना है, सर पटकना है, सीखना है, मैं बता दूंगा एप्लीकेशन कौन सा कैसे लेना है, किस चीज के रिक्वायरमेंट के लिए, वो यूज करके आपको प्रैक्टिस करना है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे, नहीं प्रैक्टिस करेंगे आप भूल जाएंगे जो भी चीजें मैं बताऊंगा वो भी। तो वीडियो रहेगा तो आप वीडियो से, अगर आपके पास अभी लैपटॉप डेस्कटॉप नहीं है तो इन द फ्यूचर आप कर सकते हैं। बाकी मैं कॉलेज में रहूंगा तो कभी भी कोई दिक्कत हो आप आके मेरे से डिस्कस कर सकते हैं खाली पीरियड में, ठीक है, तो उसके लिए कोई इशू नहीं है। हाँ आप बताओ अब आरएसी के बारे में, बाकी जो लोग हैं दूसरे ब्रांच वाले आप लिव कर सकते हैं, जा सकते हैं, बोलो। तुम लोग का सेशनल मार्क्स बन गए हैं, ठीक है, सारे उसमें हैं, सेशनल वन के, सेशनल टू के और स्पेशल टेस्ट के सभी उसमें मार्क्स हैं, क्यूज के भी मार्क्स हैं। उसमें दो बच्चे एबसेंट थे फर्स्ट में, तो काफी बच्चे एबसेंट हैं, और सेकेंड जो टेस्ट हुआ है ऑनलाइन उसमें भी दो बच्चे एबसेंट हैं, एक रोल नंबर 11 और रोल नंबर 67 मनीष, जो सेकंड में थे। थर्ड में तो जो फाइनल हुआ स्पेशल टेस्ट उसमें तो सभी प्रेजेंट है ऑलमोस्ट, वो उसने ऐसे व्हाट्सएप पे भेज दिया था मनीष ने, तो वो सारे कंसीडर हो गए हैं। तो ये सब चीजें मैं सो अब जिसका मैंने तो अभी ओरिजिनल बना के भेजा है, लेकिन आप लोग टेंशन है, वो मॉडिफाई होगा। और ज्यादातर ये है कि हाँ बोलो, मेरा जो वो है एसटी पहले वाला जो ऑनलाइन टेस्ट हुआ था उसमें गूगल क्लासरूम पे आपने 33 मार्क्स अपलोड किए हैं और ईआरपी पे 43। तुम्हारे हैं कितने है? वही तो ईआरपी पे जितने हैं उतने हैं या उस पे जो लोड किया उतने हैं? ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया ईआरपी पे, कम कर दें। हां हां नहीं नहीं, जो डेटा तुम्हारा सुनो, जो डेटा ईआरपी पे गया है वहीं से मैंने कॉपी करके सेशनल बनाया है। तो अगर फ्री में ज्यादा मिल रहा है तो बेटा पार्टी दे दो सबको, सबको पार्टी दे दो, ठीक है। नहीं अगर कम करना है तो बोलो, घटा देते हैं 20 नंबर। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, पेटीएम नंबर भेज दो अपना। तो और जो नए बच्चे उनको जो ज्वाइन करना है उनको बोलो अपना ज्वाइन कर ले, जो बाद में फिर अब बैच नहीं स्टार्ट करूंगा क्योंकि अब तो कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा। अभी जब तक के थर्मल पार्ट चल रहा है तब तक अगर ज्वाइन करना है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। अपने मैकेनिकल के भी बच्चे अगर कुछ बच रहे हैं उनको इंटरेस्ट है ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी कर सकते हैं, अभी कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन जब फोटोवोल्टेक सिस्टम उनका स्टार्ट कर दूंगा तब मैं किसी को ज्वाइन नहीं कराऊंगा क्योंकि फिर वो आधा आधा होगा। एग्जाम का मुझे अभी देखो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है सेशनल मार्क्स इन्होंने बनाने के लिए बोला है कि मे बी तुम्हारा सेशनल ही मेन कंसीडर करके उसी बेस पे रिजल्ट हो सकता है, क्योंकि पहले फाइनल ईयर वाले का पेपर होना है 6 जुलाई से। अब ये नहीं बोलना कि सर ने तो बोल दिया था कि पेपर नहीं होगा इसलिए हम नहीं पढ़ रहे थे, इसीलिए ऐसा नहीं है, पढ़ाई करते रहो। पेपर होने के चांसेस हैं इंडिविजुअली ईयर वाइज होंगे, पहले फाइनल ईयर के होंगे, फिर थर्ड ईयर के होंगे, फिर सेकेंड ईयर के, तब फाइनल ईयर वाइज चलेंगे। और तुम्हारा सितंबर से फिर सेशन स्टार्ट होना है तो इस सितंबर तक पेपर होगा, तो इसलिए इस निश्चिंत में नहीं लगे आप तो पेपर होना नहीं, चलो यार खाओ सो और तोंद भराओ तो ये मत करो, पढ़ाई भी थोड़ा बहुत करते रहो। अल्टीमेटली पढ़ाई की तो जरूरत है ही, जब पास आउट हो गए तो जरूर है, तो अपना कोर्स कंप्लीट रखो, बाकी जो होना होगा कोई इशू नहीं। पेपर हुआ तो भी अच्छा, नहीं हुआ तो भी अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब लोगों ने अटेंडेंस डाल रखा है? नहीं सर। अगर पहले डाल रखा है तो ठीक है, नहीं डाला है तो डाल देना इसमें, चलो पहले डाले थे सर। हाँ तो कोई इशू नहीं, डाला है तो कोई बात, चले अब आउट हो। ओके ओके बाय।